दफा का जिक्र है। एक किसान रहता था जिसके पास एक गधा था। गधे ने आटे और गंदुम की बोरियां लेकर अपने मालिक की खिदमत के लिए बहुत तवील अरसे तक काम किया। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गधा बूढ़ा होता गया और अपनी ताकत खोने लगा। ये समझते हुए कि उसने फार्म के आसपास काम करने की सलाहियत खो दी है, एक सुबह सवेरे सवेरे खेत छोड़कर तवील सफर पे निकल गया। मेरी हालत अब इस काबिल नहीं, लेकिन अभी भी मेरे पास एक खूबसूरत आवाज है। मुझे मेरी आवाज के जरिए पैसे कमाने चाहिए। उसको उसके रास्ते में एक शिकारी कुत्ता दिखा। गधा उसके पास गया। अरे तुम इस तरह यहाँ लेटे क्या कर रहे हो? मैं एक शिकारी कुत्ता हूँ जो अपनी उम्र के बढ़ने से अपनी ताकत खो बैठा हूँ, यहाँ तक कि अपने मालिक की भी मदद नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरी एक ऑफर है, हम लोग एक बैंड बनाते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ड्रम कैसे बजाते हैं। कुत्ते को ये ऑफर बहुत पसंद आई और गधे के साथ कुत्ता भी ब्रह्मैन के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर हुई थी, उन्होंने देखा कि एक बिल्ली सड़क के किनारे एक मकान की छत पर बैठी हुई है। वो बिल्ली काफी अफसरदा लग रही थी। क्या हुआ प्यारी बिल्ली, तुम काफी उदास लग रही हो, आखिर वजह क्या है? हो चुकी हूँ, अब मेरे पास भागने की भी ताकत नहीं है और ना ही नोकीले दांत। चूहों के पीछे दिन भर भागने के बजाय मैं इस तरह यहाँ आकर लेट जाती हूँ, और इसी वजह से मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। आपके साथ आ जाऊँ? लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? ब्रह्मन, हम वहाँ जाकर बैंड बनाकर सिंगर बन जाएंगे। बिल्लियां तो वैसे ही बहुत सुरीली होती हैं। तुम क्यों ना हमारे बैंड में शामिल हो जाओ और पियानो बजाओ। बिल्ली को ये ऑफर बहुत पसंद आई और उसने भी ये बैंड ज्वाइन कर लिया। जब ये तीनों एक फार्म की तरफ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मुर्गा जोर जोर से चीख रहा था। अरे मुर्गे साहब, दोपहर हो गई है और आप हैं क्या अभी तक चिल्ला रहे हैं? अरे भैया, कल संडे है और इस संडे मेरी मालकिन मुझे पकाने वाली है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुकड़ों को। तो तुम यहाँ रुके हुए क्यों हो, कहीं और क्यों नहीं भाग जाते? अरे मैं कहाँ जाऊँ, आज तो मेरा आखिरी दिन है और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुकड़ों को। अरे भैया कुकड़ों को। अच्छा, अपनी आवाज को इस तरह जाया मत करो, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ तुम भी। हम एक बैंड बनाएंगे और तुम्हारे जैसी आवाज की तो हमें जरूरत है। मुर्गे को भी ये ऑफर बहुत पसंद आई तो उसने फौरन हाँ कर दी। वो ऊपर से कूदा और उनके साथ चलने लगा। वो चारों सड़क की तरफ निकल पड़े। हम लोग आज रात यहीं कायम करेंगे क्योंकि कल हमारी एक नई सुबह का आगाज होगा। सोने से पहले मुर्गा काफी ऊंचाई से चारों तरफ चुपके चुपके देखने लगा। मुझे वहाँ एक रोशनी दिख रही है, मुझे लगता है हमारे करीब कोई घर है। तो फिर उठो और वहाँ चलते हैं, और वैसे भी मुझे इस गंदी जगह पे सोने की आदत नहीं है। हाँ, और शायद हमें वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसलिए चलो। सब राजी हो गए और जहाँ से रोशनी आई थी वहाँ की जानिब जाना शुरू हो गए। आखिरकार वो घर आ पहुँचे। उन सब में से लंबे होने की वजह से गधे ने खिड़की से झांकना शुरू किया। उसने अंदर देखा। क्या तुम्हें कोई अंदर दिखा मेरे भाई? तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैंने वहाँ एक खूबसूरत टेबल देखी है। ये तो अच्छी बात है, और मुझे इस टेबल पर बहुत मजेदार खाने नजर आ रहे हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो चलो अंदर चलते हैं।
एक मिनट रुको, मुझे जरा देखने तो दो। और मुझे तो वहाँ चार लोग भी दिख रहे हैं जो खूब मजे ले लेके वो खाना खा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर बैठे चार लोगों के बारे में सुना, वो सब उदास हो गए। और इन लोगों को खाना खाने जरूरी था, मुझे इतनी भूख लगी है। चलो चलो जंगल चलते हैं। काश हम इन चोरों को यहाँ से डरा के भगा सकते। अच्छा सुनो, मेरे पास एक तरकीब है, तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। हम लोगों को मिलके शोर शराबा करना होगा ताकि ये लोग हमारी आवाजें सुनकर बाहर आएं। चारों दोस्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। फिर जैसा कि गधे ने कहा था, वो सारे गाने गाना शुरू हो गए। जब चोरों ने ये खौफनाक शोर सुना, वो सारे डर के मारे उठ के खड़े हो गए। उन चारों दोस्तों ने खिड़की तोड़ी और जोर से छलांग मारकर अंदर चले गए। अरे भागो यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे, भागो यहाँ से। उन्होंने अपने हथियार छोड़े और चारों अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे। चारों दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। वो फौरन से खाने की टेबल पर बैठे और वो सारा खाना खाने लगे जो चोर छोड़कर भागे थे। खाने के बाद वो एक ऐसी जगह तलाश करने लगे जहाँ पे वो आराम से सो सकें, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने सारी लाइट्स बंद करी और सोने के लिए लेट गए। अब आधी रात हो चुकी थी। चोरों ने घर की तरफ देखा और वो परेशान हो गए कि घर में रोशनी क्यों नहीं है। उन्होंने उनमें से एक को घर चेक करने के लिए भेजा। उसने देखा कि यहाँ बहुत सन्नाटा और अंधेरा है। उसने एक लैंप जलाने की कोशिश करी। उसने जैसे ही माचिस जलाई, बिल्ली उसके ऊपर कूदी और उसका मुंह नोच लिया। कुत्ते ने उसकी टांग काट ली। ये सब शोर सुनके मुर्गा भी अचानक से उठ के शोर करने लगा। और जैसे ही चोर को लगा कि अब भागने का मौका है, तो गधे ने उसको जोरदार लात मारी कि वो वहीं गिर गया। अब आखिर होना क्या था? चोर अपने साथियों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उस घर में एक नहीं चार चार जानवर हैं, उन्होंने मुझ पर हमला किया है। वो चारों बगैर पीछे देखे भागने लगे और उसके बाद वो उस घर में कभी वापस नहीं आए। उन चारों दोस्तों को ये घर बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने ब्रिमेन जाने के ख्याल को वहीं खत्म कर दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो सारे मिलके अब यहीं रहेंगे और वो सारा दिन गाने गाना और मौसीकी में गुजारने लगे।